हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्पफुल होंगे, है ना। आज हमारा जो एपिसोड है वो 14 है और हमने अभी तक 13 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप वो आपने अच्छे से कर लिया होगा, है ना। ओके, आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने हैं तो आप एक आपका शेयर तो बनता है ना, आप इसको शेयर कर दिया करिए, कहीं ना कहीं एक शेयर तो आपको बनता है। आप नहीं है स्टेटस पे शेयर कर दिया कर दीजिए अपने, है ना, तो जिससे थोड़ा लोग आएंगे, देख ज़्यादा देखेंगे तो सर को भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे और क्लासेस बनाने में थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा, है ना। ओके, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आपका। हमने आपसे कुछ मतलब मैं कहता भी नहीं हूँ उससे मोस्टली ज्यादा, है ना। शुरू करते हैं आज का। बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? आपने बेल्जियम मॉडल देखा था, जो कि आप संगठनात्मक सरकार या पावर शेयरिंग के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर बेल्जियम मॉडल पढ़ा था, है ना। यहाँ पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सत्ता का बंटवारा किया गया, है ना। तो बेल्जियम मॉडल सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी, या उपरोक्त में से कोई, कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। ओके, तो इसका जो करेक्ट है वो ए है, सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी बेल्जियम मॉडल था, और जो कि श्रीलंका में इसके अपोजिट नहीं देखा गया था, जहां पर सिंगली, तमिल, बौद्ध इन सब के बीच जो सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, जिससे वहां पर काफी सारी कैजुअलिटीज देखने को मिली थी, काफी सारे ड्रॉबैक थे उसके, जो आपने अपने उसमें चैप्टर में पढ़ा था, है ना। लेकिन बेल्जियम में जो सरकार थी उसने सभी जाति समूहों को पावर शेयरिंग में रखा था, जिससे इसीलिए बेल्जियम मॉडल उस टाइम का एक जो मिरर था फॉर द डेमोक्रेसी पर्पस से। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीन पर, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? वो कौन सी घटना थी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित करने के लिए गांधी को प्रेरित की थी? रॉलेट एक्ट, जलियावाला बाग कांड, जलियावाला बाग कांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट, ये तो सब शुरू करने के इसके कुछ ना कुछ रीजन थे छोटे छोटे, है ना। असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन रीजन थे, अब बंद करने का रीजन था चौरी चौरा कांड, जो 1922 में गोरखपुर जिले के जिले में हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। वहां पर एक चौकी में कुछ प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और जिससे 22 पुलिस कर्मचारी जल गए थे, है ना। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, है ना। तो इस पे गांधी जी की निंदा भी हुई थी, लेकिन गांधी जी ने डायरेक्ट कहा था कि हम अहिंसा को फॉलो करते हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा एक नेशनल लेवल का जो मूवमेंट था गांधी जी का, वो बंद करना पड़ा था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सबने इनकी आलोचना भी की थी। 1861, तीसरा है, 1861 में, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना था? यूनाइटेड इटली थी, उसका कौन एम्पायर बना हुआ, कौन एम्परर था या कौन उसका शासक हुआ था, ठीक है। विक्टर इमैनुअल, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल द्वितीय या काउर? तो इसमें बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण में, यानी जर्मनी या प्रशा की बात करते हैं हम बात करते हैं, तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जर्मनी का प्रथम जो
एम्परर या प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो विलियम विलियम था, है ना। अभी हम इटली की बात करें, कौन शासक बना 1861 में, 1861 में, तो वो विक्टर इमैनुअल द्वितीय था, है ना। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को वहां का इटली का शासक घोषित किया गया था। और इटली के एकीकरण में काउर, मेत्सनी, गैरिबाल्डी की प्रमुख भूमिका रही थी, है ना। ओके, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, या महात्मा गांधी जी ने? हिंद स्वराज में गांधी जी ने, हिंद स्वराज में लिखा था असहयोग आंदोलन के बारे में, कि असहयोग आंदोलन इसी के, ये आंदोलन बाद में हुआ लेकिन लिखा पहले जा चुका था कि भारतीयों के सहयोग के द्वारा यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई है, और ब्रिटिश अगर जो इंडियंस हैं वो अपोज करेंगे, यानी सहयोग नहीं असहयोग करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, नॉन कॉपरेट करेंगे, तो लोग जल्दी चले जाएंगे, जो भारत जल्दी ही स्वतंत्र हो जाएगा, इसके सपने के आधार पर असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, 1920 में, है ना। जवाहरलाल जी की जो पुस्तक है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन, भारत भाग्य विधाता पुस्तक इंटाइटल जो जनगणमन छपा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि जो है महात्मा गांधी को दी थी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, याद कर लीजिएगा, पूछेगा एग्जाम में, है ना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी, है ना। और बाल गंगाधर तिलक जी ने, कोटेशन भी चलो बाद में करते हैं, तो लंबी हो जाएगा, है ना। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? ऑस्ट्रिया प्रशांत युद्ध द्वारा, फ्रांस प्रशांत युद्ध द्वारा, फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका पांचवा जो है वो करेक्ट है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, है ना, फ्रांस और ऑस्ट्रिया युद्ध के द्वारा, सी इसका करेक्ट है, याद रखिएगा। सिक्स है आपका, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? देखो हमने आपको बताया था ना, 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं को पूछ लिया जाएगा कि भारतीय जो भाषाएं हैं उसे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। आपने अगर सही से मैप देखा होगा तो हमने एमसीक्यू क्लास कर रहे हो, कंटिन्यू सुन रहे होगे मेरी बातें, तो मैंने बताया था, देखो यहां पर पूछ भी लिया गया, तो कौन सी, अब आपको कुछ अगर आपने सही सुना होगा और सही किया होगा तो आपको पता होगा, 8वीं अनुसूची में रखा गया था, सी इसका करेक्ट है, बस बात खत्म। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ी, इसे हम सोपानी या हम टेरेस फार्मिंग कहते, की जाती है, टेरेस फार्मिंग की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, कहाँ की जाती है? देखो पंजाब पांच नदियों के लाए गए जलोढ़ द्वारा निर्मित है, हरियाणा भी जलोढ़ मिट्टी इन प्लेन में है, उत्तर प्रदेश भी प्लेन में है, लेकिन जो सीढ़ीदार खेती की जाती है या टेरेस फार्मिंग की जाती है वो हिली रीजन में की जाती है, जहां पर क्या होते हैं, जहां पर पहाड़ होते हैं, है ना, जहां पर पहाड़ होते हैं, तो वहीं पर तो की जाएगी, है ना। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर किया जाने का कारण ये है कि अगर यहां पर इस तरह से जुताई कर दी जाएगी तो नीचे चला आएगा, अब प्लेन में तो कोई ट्रेस फार्मिंग की जरूरत नहीं है, ये प्लेन रीजन में, है ना,
लेकिन यहाँ पर तो है ना, तो इसलिए यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। सीढ़ी नुमा मतलब यहाँ पर ऐसे बना दिया एक, है ना, इस तरह से ऐसे डेवलप कर लिया थोड़ा बढ़ा के, है ना, इस तरह से कर करके खेत बना लेते हैं वो लोग, है ना। तो जिससे क्या होता है डायरेक्ट पानी नीचे नहीं आता है और आराम से इन जगहों पे ब्रेकर बने होते हैं, उन पर खेती कर लेते हैं वो लोग, है ना। तो इसका करेक्ट है उत्तराखंड। पहाड़ कहाँ है? उत्तराखंड में, कोई मतलब नहीं। और प्लेन में आपका कोई नहीं, इस रीजन में मतलब पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कोई टेरेस फार्मिंग नहीं होती है ना। ओके नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? देखो ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाती है, रबी, खरीफ, जायद। तो रबी की बात की थी हमने, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है ना। इसमें कौन सी आती हैं? दालें, चना, कपास या मोटा अनाज? देखो कपास, मोटा अनाज और दालें मुख्य रूप से ये खरीफ की फसलें हैं, है ना। अब सर खरीफ की फसलें हैं तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूं है ना। चलो लेकिन हमको इन ऑप्शन में बताना है, चार ऑप्शन दिए होंगे उससे बताना है। तो इसमें से चना जो है आपकी, भाई इस समय चना है कि नहीं है? इस समय रबी की फसल चल रही कि नहीं चल रही? प्रेजेंट टाइम तो चना खेत में खाने जा रहे हो नहीं जा रहे हो? चने का साग बनता है नहीं बनता है? बस नोट कर लो फसलें, चना है, सी करेक्ट। ओके नेक्स्ट, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा झारखंड का फेमस है और ये पूछा जाता है। बॉक्साइट का, अब्रक का, और मैप पर भी आप लोकेशन, मैप वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा, वहां पर हमने इसके एक एक पॉइंट बताया है। तांबा या लॉयस्क, क्योंकि तो यहां पर हम ज्यादा करेंगे तो ये लंदी हो जाएगी तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा में कोई और नहीं, बी करेक्ट है, अब्रक के लिए फेमस है ना, अब्रक के लिए फेमस है। तांबा खेतड़ी यानी राजस्थान में ही होता है। ओके नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, है ना, स्वयं जुताई वाली मिट्टी यानी सेल्फ प्लगिंग वाली, जो सेल्फ प्लगिंग करती है, छिटकन पड़ जाते हैं इसमें, है ना। तो काली मृदा मुख्य रूप से और गुजरात के काठियावाड़, महाराष्ट्र, मालवा पठार में पाई जाती है। हमने बता भी दिया, देखो यहाँ पर पाई जाती है निम्नलिखित में से, आपको बताना ही था, चलो कोई बात नहीं। गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में या महाराष्ट्र? चलो बताओ निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्य रूप से आपको गुजरात भी दिया हुआ है, सब दिए हुए हैं, झारखंड भी दिया हुआ है, राजस्थान को छोड़ ही दो, राजस्थान में बलुई मिट्टी पाई जाती है ना, तो राजस्थान नहीं, लेकिन हाँ इन सब में महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर महाराष्ट्र हम लोग पहले करेंगे। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। इसको मैप वाली क्लास में जाके अच्छे से सारी मिट्टियां समझ लो, राजस्थान में बलुई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत का कौन सा स्थान है? HDI में मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 130वां है ना, 130वां स्थान है, इसको ऐसे ही रट लीजिए, याद कर लीजिए, रटना नहीं है याद करना है। भारत आय की दृष्टि से कौन सा राष्ट्र है? अगर हम इनकम के आधार पर बात करें तो वो कैसा देश है, कैसा राष्ट्र है? उच्च आय वर्ग वाला, मध्यम आय वर्ग वाला, निम्न आय वर्ग वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका करेक्ट है वो है मध्यम आय वर्ग वाला, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट कोई नहीं है, 12 ही थे। अब आप बताएंगे कि
12 में से 12 out of 12 में से आपके कितने करेक्ट हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते नहीं हो, ये गलत बात है, आप बता दिया करिए जिससे हमें पता चलता रहे ना, है ना। और नाम आप लिख दिया करिए, ठीक है, ओके। तो अभी कितने करेक्ट हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको चैनल फिर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ओल्ड है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। और थैंक यू सो मच, आपकी प्रिपरेशन आई होप आपकी अच्छी चल रही होगी और आप करते रहिए। और एक और लेक्चर है आपका इसका, फिर हम एक कंबाइंड क्लास ले लेंगे इसकी और सब करेक्ट हो जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।